गुड मॉर्निंग क्लास फाइव के बच्चों, आज मैं आप लोगों को आपके हिंदी पाठ्यपुस्तक से एक्सरसाइज 17 जो कल पढ़ाया था मैंने चेतक के बारे में, इस चेतक वाली कविता के कहानी सारांश को बताया था, भावार्थ को बताया था। अब इसके क्वेश्चन आंसर को आज मैं आपको बता रहा हूँ। अब देखिए इसके क्वेश्चन आंसर, देखिए सबसे पहले पहला प्रश्न है कि कवि के अनुसार चेतक और हवा में तेज कौन था। कवि के अनुसार चेतक और हवा में कौन तेज था? तो कवि के अनुसार महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक हवा की अपेक्षा अधिक तेज था। उसका दूसरा प्रश्न है, राणा जी किसे कभी भी कोरा नहीं मारते थे और क्यों? चेतक को राणा जी ने कभी कोरा नहीं मारा, कारण कि वह स्वयं ही इतना तेज था कि न तो कभी ज़रूरत हुई और न ही किसी ने इतना जोश किसी में देखा। उसका तीसरा प्रश्न है, चेतक में कौन कौन सी विशेषताएं थी? वह पवन वेग से दौड़ता, कभी कभी जब वह दौड़ते दौड़ते मुड़ता तो देखने वाले दंग रह जाते। वह दुश्मन पर अपने टापों से भी प्रहार करता था। उसके बाद बैरी समाज क्या देखकर दंग रह जाता था? बैरी समाज यह देखकर दंग रह गया कि कितने अनगिनत घाव और जख्म होते हुए भी चेतक अपने सवार के प्रति किस वफादारी से संग दे रहा है। उसके बाद एक प्रश्न है, कवि ने चेतक की तुलना किससे की? तो कवि ने चेतक की तुलना विकराल ब्रजमय वज्रमय बादल से की है। इस तरह से आपके ये प्रश्न हो गए। अब आपको मैं फिर अगले दिन दूसरे चैप्टर बताऊँगा।